हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार। यूट्यूब जीनियर स्टडी चैनल से आपका स्वागत करते हैं जी। तो जीनियर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें और कमेंट में भी अपनी सजेशन पास करें जी। आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल बटन ऑन कर दे। अगर जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करता हूँ तो आप उसको क्या करें जी, रिमाइंडर सेट जो है ऑन कर दें, और अगर ज्वाइन बटन दिख रहा है तो आप उसको भी क्लिक करें, जाके आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन जो वीडियो अपडेट करने पे, प्रीमियम करने पे जो नोटिफिकेशन होता है आपको जाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाले लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज उन लेक्चर को समझिए, क्योंकि आपको ये लेक्चर समझ में आने में दिक्कत होगी जी। चलिए, आज का टॉपिक है जी रेक्टिफायर। हम लोग सेमीकंडक्टर जो डायोड पढ़ते हैं, डायोड का काम जी हमने पिछली बार पढ़ा था, जीनर डायोड के बारे में पढ़ा था, तो जीनर स्टडी के बारे में भी डिस्कस किया था। जीनर डायोड के बारे में हमने देखा था कि रेगुलेटर के काम में कर देते हैं जी। उसमें हमने डोपिंग के बारे में पढ़ा था, उसका क्या वोल्टेज है, कैसे होता है। उसके बाद अब देखिए दूसरा यूज क्या है जी, तो डायोड का सबसे इम्पोर्टेंट यूज है रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। किस तरह जी, दिष्टकारी के रूप में यूज करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दिष्टकारी बोलते हैं जी। तो देखिए ये बोल रहा है कि एसी वोल्टेज या करंट को डीसी आउटपुट वोल्टेज करंट में बदलने के लिए युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं जी। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है जी, तो रेक्टिफायर का यूज होता है। रेक्टिफायर किससे बने होते हैं जी, तो रेक्टिफायर जो बना होता है डायोड के मिलकर बनाता है। एक डायोड, चार डायोड, पांच डायोड को मिलाकर क्या बनते हैं जी, तो हम रेक्टिफायर बनाते हैं। तो अब देखिए रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं जी, तो रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि हाफ वेव फुल वेव क्या होता है, तो हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने अब समझिए कि रेक्टिफायर को दो टाइप से हमने क्या किया है कि डिवाइड कर रखा है जी। अब यहाँ पे देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर में दो तरह के होते हैं, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ठीक है ना। तो हाफ में एक होता है और फुल में भी कितने होते हैं, दो होते हैं जी। देखिए मैं बता दूं, हाफ वेव में क्या होता है जी, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल में क्या होता है, सेंटर टेप्ड फुल रेक्टिफायर होता है, और एक क्या होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो फुल में क्या होते हैं, दो होते हैं, हम लोग यही पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए जी, अब रेक्टिफायर का बात किया जाए तो रेक्टिफायर करता क्या है, रेक्टिफायर क्या करता है जी, तो रेक्टिफायर एक्चुअली क्या करता है, एसी को क्या करता है जी, डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। तो अगर कोई लड़का ये भी पूछता है कि सर अल्टरनेटर जो है ये भी तो उसी का काम तो वही करता है, तो अल्टरनेटर भी तो एसी को ही क्या करता है जी, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी जनरेट करता है, फिर से उसे कम्यूटेटर से हम लोग क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आखिर तो वो भी तो यही काम कर रहा है, तो इसको जरूरत क्या है। तो देखिए वहां पे क्या है, वो एक क्या जी, मैकेनिकल डिवाइस है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, समझिए बात। तो मैकेनिकल डिवाइस में क्या होता है, लॉसेज ज्यादा होती है, रोटेशन है वहां पे, जिसके रोटेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जी। वहां पे हाई वोल्टेज को हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए हाई वोल्टेज को भी कर सकते हैं। ऐसे भी आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं बहुत लो वोल्टेज पे ही वर्क करते हैं, लेकिन इन्हें हाई वोल्टेज पे भी बनाया जा सकता है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्या है, मैकेनिकल रोटेशन वगैरह नहीं है, मूवमेंट नहीं है, जिससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इफिशियंसी सबकी ज्यादा होती है। इसलिए ये क्या होता है, आपको स्पेस वगैरह में है जो भी उस सब एरिया में क्या होता है, बहुत ही इफिशियंसी होती है, इनकी ज्यादा हाई होती है। तो मैकेनिकल डिवाइसेज के कंपेयर में ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ज्यादा ही प्रीफर किया जाता है जी। चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या है जी, ए इनपुट है, देखिए ए इनपुट में क्या है जी, ये पॉजिटिव है करंट, फिर से करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, फिर यानी एसी दे रहे हैं 220 वोल्ट दे रहे हैं जी, 50 हर्ट्ज दे रहे हैं, ये क्या हुआ। उसके बाद ये प्राइमरी था, ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी में आया, सेकेंडरी में क्या है, हमने डायोड लगा रखा है, इधर रजिस्टर लोड लगा रखा है। अब देखिए क्या होगा, एक बार ए सर का साइकिल आएगा, एक बार ए साइकिल आएगा, एक बार एक साइकिल आएगा। तो देखिएगा समझिएगा, जब ऐसे साइकिल दिए तो हम यहाँ पे पॉजिटिव करंट इधर रहेगा, पॉजिटिव इधर मैं लिख दे रहा हूँ, एक निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायोड हुआ ना जी, फॉरवर्ड में हुआ तो फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, करंट तो पास कर देगा। फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या होता है जी, रेजिस्टेंस जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो होगा तो सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस वाले साइकिल में ऐसे ही सेम टू सेम क्या होगा, पास हो गया, क्योंकि क्या था, डायोड ऑन था। चलिए अगले सर्कल में आते हैं जी, दूसरे सर्कल में क्या होगा, ई वाला सर्कल आएगा तो निगेटिव आएगा, यानी अब जो ये पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा बात।
ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जी। समझिए, ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। जैसे ही रिवर्स बायस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इस रीजन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ऑफ है। डायोड क्या है जी, ऑफ है, ऑन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही जब पॉजिटिव होगा तो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या कि जो ये मेरा फुल वेव था, फुल वेव जो करंट आ रहा था उसको क्या किया, हाफ वेव में बना दिया जी। आधा वेव क्या हो गया, ऑफ हो गया, आधा वेव ऑन हो गया, तो क्या हो गया, हाफ वेव हो गया ना। तो हाफ साइकिल वेव इसीलिए बोला जा रहा है इसको, क्योंकि देखिए पूरे साइकिल यहां तक है, इसमें क्या हो रहा है, हाफ ही साइकिल करंट जा रहा है, हाफ साइकिल में क्या आ रहा है जी, ऑफ है। तो इससे क्या हो गया कि हमको, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर जी। बोला है इसमें एसी इनपुट केवल हाफ साइकिल में ही एक यूनिट डायरेक्शन या डीसी आउटपुट प्राप्त होता है जी। तो एक ही डायरेक्शन में प्राप्त हुआ, देखिए ये डीसी तो है, देखिए यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, डीसी तो पता चला, जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमको एसी से डीसी कन्वर्ट किया, लेकिन हाफ जो साइकिल था उसका तो लॉस हो गया ना। तो इसीलिए हाफ साइकिल देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं जी। इसमें एक डायोड ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली और लोड रेजिस्टेंस आरएल की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बोला है कि ये द्वितीय कुंडली है जी, उसमें क्या क्या है, ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली है, इसमें लोड रेजिस्टेंस क्या है जी, और डायोड की हेल्प से क्या करता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये तो कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये सब कोई ज्यादा इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जी। डायोड का कैथोड एन सिरा लोड से और आरएल सिरा दूसरा ट्रांसफार्मर की कुंडली से, देखिए अब यह है कैथोड है जी, क्या है तो इससे जोड़े हैं, और इसका जो एनोड है उसको क्या है, लोड से जोड़ रखे हैं जी। वही बोल रहा है इसमें सप्लाई 220 वोल्ट होता है जी, इंडिया में 220 वोल्ट होता है, 230 क्या होता है यूएस में होता है, 230 लिखा है, तो यूएस वाला लिखा है, हम यूएस वाला नहीं कहा, 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में, सही है, और 220 वोल्ट होता है, ठीक है ना जी। ऐसे वेरी करता है, 220 से 240 भी वेरी करता है, लेकिन 220 ही लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यही है जी, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली में एसी सप्लाई दिया जाता है और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी से प्राप्त होता है एसी प्राप्त होता है। देखिए तो वी इनपुट हमने दिया, क्या दिया, वीएम साइन ओमेगा टी, ये एसी है, ओमेगा क्या है जी, 2πf है, ओमेगा क्या है, 2πf, अब क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2π हो जाएगा, इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हमको निकालना होगा, क्या हो गया, अब देखिए फ्रीक्वेंसी इनपुट का था तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा जी, तो एसी सप्लाई करने पे सेकेंडरी वाइंडिंग में अक्रॉस वोल्टेज को पोलरिटी प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद बदलता है जी। एसी में तो क्या है, हर एक हाफ साइकिल में बदलता है, इसमें क्या है, बोल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल डिस्कस करते हैं। इस स्थिति में ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली में ऊपरी सिरा S1 S2 सिरा धनात्मक जुड़ा हुआ था, डायोड अग्र बायस में, देखिए फॉरवर्ड बायस में था जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जिसके कारण हुआ धारा का प्रवाह हुआ और लोड में आउटपुट मिला जी। नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि शून्य करंट मिलेगा। यही सब बातें क्या लिखा, लिख रखा जो हमने आपको पढ़ाया वही सब बातें क्या लिखा है, इसने समझा रखा है जी। चलिए तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ, एक बार ध्यान से देख लीजिए जी, ये क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हमने एसी दिया, इसको आउटपुट में हमने यहाँ पे क्या, ये डायोड और लोड लगा रखा, तो ये एक हाफ साइकिल जब पॉजिटिव रहता है, जब यहां फॉरवर्ड बायस में जुड़ा रहता है तो क्या होता है, काम करता है, जब रिवर्स बायस हो जाता है तो काम नहीं करता है, और क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है। तो हमने यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट किया, इसके बाद हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे जी। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो तरह के रेक्टिफायर है, कौन कौन से, सेंटर टेफ्ट फुल वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है जी। देखिए पढ़िए, फुल वेव रेक्टिफायर कितने तरह के, दो तरह के हैं, दो प्रकार के होते हैं जी, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव क्या है जी, ब्रिज रेक्टिफायर, नाम से पता चला है दोनों में फुल वेव है, तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जी। चलिए अब बात की जाए सेंटर टेप्ड में, देखिए तो सेंटर टेप्ड नाम से पता चल रहा है, जो ट्रांसफार्मर है, आपने ट्रांसफार्मर जब मैं पढ़ाया था तो उस समय आपको भी ट्रांसफार्मर पढ़ाते वक्त मैं सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर ही पढ़ाया था, याद कीजिए उसको, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज ट्रांसफार्मर वाली वीडियो देखिए, और वहां पर आपको पता चलेगा ट्रांसफार्मर में हमने बहुत सारे ट्रांसफार्मर बात किए थे, उसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी आया था, तो वहीं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लिया गया जी। देखिए ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी तो हमने सप्लाई दिया इसी, लेकिन सेकेंडरी में क्या है कि ये जो सेंटर जो मिडिल पॉइंट है, जो सेंटर है, वहीं से क्या करते हैं, एक कनेक्शन ले लेते हैं जी, वहीं से एक कनेक्शन लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि इस पार्ट में हमने एक डायोड कनेक्ट किया और एक दूसरे पार्ट में इधर डायोड कनेक्ट कर दिया, और ये हमने लोड यहां से ले लिया, लोड का वोल्टेज कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब लॉजिक समझिएगा, हमने यहां पे जब एक पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ए रहेगा और निगेटिव ए रहेगा, तो देखिए पॉजिटिव ए रहा तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए रहा निगेटिव ए रहा, तो निगेटिव से इसको जोड़े तो ये क्या रिवर्स बायस में हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इससे करंट नहीं पास होगा, लेकिन
ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये डायोड तो ऑन हो जाएगा, ये डायोड ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर करंट पास हो जाएगा जी, तो इस तरह हमारा सर्किल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखिए ट्रांसफॉर्मर का हाफ ही पार्ट काम कर रहा है, तो इससे डायोड क्या हुआ जी, मेरा फॉरवर्ड बायस में ए वाला होगा, डी वन हो गया, तो ये मेरा करंट पास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला पार्ट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव होगा, जैसे ही पॉजिटिव होगा देखिए तो फॉरवर्ड बायस में, देखिए इसने डायोड फिर से गलत बना रखा है जी, यहाँ पे ये गलत बना के ऐसे डायोड बनाना है जी, ये बीच वाली लाइन नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ निगेटिव हुआ यहाँ पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड डायोड हो गया, तो फॉरवर्ड डायोड में इधर करंट जाएगा, लेकिन इसमें तो करंट नहीं जाएगा क्योंकि निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या जाएगा, निगेटिव इससे जुड़े है ना, तो क्या जाएगा रिवर्स बायस में, तो ये तो नहीं ऑन होगा, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन होगा तो क्या जाएगा, इधर करंट जाएगा, देखिए अब फिर से करंट का डायरेक्शन ऐसे भी जा रहा था तो इधर से ही जा रहा था, ऐसे जा रहा था इधर से ही जा रहा था, यानी पॉजिटिव इसमें इधर ही है, निगेटिव इधर ही है, तो यानी हमको डीसी मिला जो क्या मिला, दोनों साइकिल में क्या हो जाएगा, ऑन रहेगा, लेकिन पल्सेटिंग क्या मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, देखिए जी पल्स की तरह वर्क कर रहा है ना, तो लेकिन हमको फुल वेव तो मिला ना, हमको ये हाफ जो पॉजिटिव था उसका भी मिला, नेगेटिव था उसका भी मिला, तो दोनों में मिला, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है जी, फुल वेव रेक्टिफायर है। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर यहां से पता चला, और सेंटर टेप्ट इसलिए बोल रहे हैं कि सेंटर टेप्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मर हम यूज किए हैं जी, तो सेंटर टेप्ट ट्रांसफॉर्मर यूज किए हैं, और फुल वेव क्या मिला जी, हमको रेक्टिफाइड क्या मिला है, डीसी मिला है, इसलिए सेंटर टेप्ट फुल वेव रेक्टिफायर इसका नाम है। मुझे लग रहा है आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, अगर मेरा पढ़ाने का स्पीड फास्ट होगा तो आप वीडियो क्या कीजिएगा, स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पे और वीडियो प्लेयर्स में भी ये सारी फैसिलिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं और स्लो करके देख सकते हैं जी। आपको ये भी पता होगा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इस लेक्चर को बहुत दिनों तक पढ़ाए जी, इस लेक्चर को पढ़ाने के लिए 2-3 लेक्चर लिए हैं, मैं उतना ज्यादा लेक्चर नहीं लूंगा, और आपको जीनियर स्टडी नाम से पता चल रहा है कि क्या है जी, रेगुलेटेड स्टडी कराई जाएगी, रेगुलेटेड लेक्चर्स दिए जाएंगे जी, ठीक है ना जी, स्टेबलाइज रहिए, स्टेबलाइज तैयारी कीजिए, रेगुलेटेड स्टडी कीजिए, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जरूर लगाइए जी, सेट ज्यादा लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर वन, सेंटर टैप में ही बोल रहा है, देखिए अब धनात्मक अर्धचालक ऋणात्मक अर्धचालक मैंने जो पढ़ाया है वही सब बातें इसमें लिखा हुआ है, वही सब बातें क्या है जी इसमें लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, जो मैंने बताया वही सब बातें लिखा हुआ पढ़ लेते हैं जी। बोला है एसी के धनात्मक अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर S1 का ओ सीधा सापेक्ष धनात्मक होता है, जिसे डायोड D1 अगर बायस में होता है, अगर बायस में फॉरवर्ड में था, डायोड से D1 धारा प्रवाहित सरलता से होने के कारण आउटपुट RL मिलता है जी, और ट्रांसफार्मर का S1 सिरा ओ के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, ओ के सापेक्ष ऋणात्मक होने के कारण D2 रिवर्स बायस में होता है, जिसे धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसे डायोड D2 खुला परिपथ व्यवहार करेगा जी। देखिए अब इसका मतलब हुआ, अगर हाई रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या जी, ओपन है सर्किट, क्या है ओपन है, बहुत इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है क्या, इसका मतलब होता नहीं होता है, और फॉरवर्ड बायस में तो क्या जी रेजिस्टेंस क्या है जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या होता है शॉर्ट होता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा करंट पास हो जाएगा, वही बातें लिख रहा है ये सब, वही मैंने जो बातें बताया वही सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है जी, तो उसको हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में भी ब्रिज फुल वेव है और ब्रिज हमने यूज किया, देखिए यहाँ पे जो हमने ये लिया है डायोड का एक ब्रिज बनाया है, क्या बनाया जी डायोड का हमने एक ब्रिज बनाया है और इससे हमने क्या किया जी कनेक्ट किया है, तो इसने थोड़ा सा डायग्राम में, तो चलिए जी हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सॉरी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं जी। अगला टॉपिक क्या जी हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम जो है गलत बना रखा है इसने, ये डायग्राम जो है गलत बना रखा है, मैंने इसी डायग्राम को यहाँ पे बना रखा है, ठीक है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, ये जो डायोड है इसने ये डायोड जो बना रखा है, ठीक है जी ये डायोड जो बना रखा है, ठीक है चलिए सही है, देखिए इस डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इधर से आना पड़ेगा, मैं इसने डायरेक्ट क्या किया इधर जोड़ दिया, वही बात हुआ यहां से यहां जोड़िए चाहे इधर से ऐसे जोड़ के दिखाई बात वही देखिए, समझिए यहां से क्या किया ये पॉइंट उठाया इस पॉइंट के बीच इसने जोड़ा है, मैंने इसको बीच में ही जोड़ दिया, इससे क्या होगा थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में, इसको क्या होगा थोड़ा सा ऐसा घूम कर चेक कराना पड़ेगा तो थोड़ा सा लड़के सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इसी को सर्किट को मैंने थोड़ा सा क्या किया थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा है क्यों ना इसके बीच में ही जोड़ दे, और देखिए इसने गलती क्या किया एक जो ये लाइन है ये लाइन पहले ही ऐसे ड्रॉ कर रखा है जी, तो ये लाइन ड्रॉ किया है जिसकी वजह से बताइए अब इधर से करंट आएगा जैसे शॉर्ट सर्किट है तो पास नहीं हो जाएगा जी, इसने थोड़ा सा गलत बना रखा है जी, ये लाइन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ये लाइन नहीं होनी चाहिए, बात समझिएगा जी, इस बुक में बहुत सारे एरर्स हैं और पता नहीं आज तक तो इसके राइटर ने सॉरी भी नहीं बोला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, देखिए जी ये क्या है
एसी सर्किट दिए, एसी क्या जी करंट दिए, ये ट्रांसफार्मर लगाए, इससे पहले वाला सेंटर टेप था, ये ट्रांसफार्मर क्या है जी सेंटर टेप नहीं है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। और इसमें क्या हुआ, उसके बाद एक सर्किट जोड़ा गया, वो जो सर्किट जोड़ा गया ये वाला सर्किट डायोड का, उस डायोड को मैंने बना रखा है जी यहाँ पे, देखिए कैसे बना रखा है, ये जो डायोड इसने बना रखा है, चारों डायोड ऐसे ही बनाएगा, ये जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन नहीं होगी जी, बीच वाली लाइन नहीं है मेरे में, देखिए। और ये क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या है जी लोड रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच क्या है जी लोड रेजिस्टेंस मैंने दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी अब क्या करते हैं, एक बार मान लेते हैं हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, तो कैसे जाएगा जी, तो ये अब पॉजिटिव और नेगेटिव में आया तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो देखिए इस डायोड में फॉरवर्ड ही बायस है जी, फॉरवर्ड ही बायस है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा ना, तो ये फॉरवर्ड बायस है तो इधर क्या हो जाएगा करंट पास करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स बायस में हो गया तो क्या हो जाएगा करंट इधर जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा ये फॉरवर्ड बायस में हो गया जी तो इधर से करंट पास हो जाएगा। देखिए कैसे करंट जी इस वाले साइकिल में करंट यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे करंट चला जाएगा जी। देखिए अब जैसे फॉरवर्ड होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ करंट पास हो जाएगा, यहाँ लोड रेजिस्टेंस है, ये रिवर्स में है तो क्या इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, यहाँ से पास नहीं होगा, यहाँ से पास हो गया, फिर से शॉर्ट है तो पास हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, इस बात को समझिए, देखिए फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है जीरो रेजिस्टेंस होता है, और रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है जी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इधर करंट जाएगा कभी भी करंट जो कम रेजिस्टेंस होता है उधर से जाता है, न कि हाई रेजिस्टेंस से जाता है जी। तो ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस है तो इधर से करंट नहीं जाएगा। चलिए ये पहला हाफ साइकिल था, ये जब पॉजिटिव साइकिल चला तो ये था, अब निगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, जब निगेटिव साइकिल में उल्टा हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन यानी क्या, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब समझिएगा इस बात को, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए करंट ऐसे आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में डायोड है जी, फॉरवर्ड में यानी इधर क्या है रेजिस्टेंस जीरो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस ये मिला, इधर से करंट जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा जी डायोड शॉर्ट मिलेगा, ये डायोड शॉर्ट मिलेगा, देखिए ये डायोड क्या मिलेगा जी शॉर्ट में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पास हो जाएगा। समझिए इस बात को, यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आएगा तो पास हो गया जी। तो यही बात समझने वाली थी कि हमने क्या किया कि दोनों में हमने क्या किया, दोनों पाथ में पॉजिटिव हो या नेगेटिव में दोनों में हमने क्या किया, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे क्या हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया जी जीरो हो गया। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर की हमने थ्योरी समझा, अब हमने यहाँ पे थ्योरी समझ रखा है जी, ठीक है। अब आगे हम क्या है फुल वेव रेक्टिफायर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या करेंगे याद करेंगे जी। देखिए अभी हमने इसका लॉजिक समझ रखा, यही सब बातें इसमें लिख रखा है, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि आपके आप इसको पढ़ लीजिएगा जी, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम उसको बार बार उसी बात को कॉन्सेप्ट एक बार सिखा दिए बस बात खत्म हो गया जी, और उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है। अब देखिए अब जो रटने वाला पॉइंट है उसको तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको रटना है जी तो लॉजिक से रटना पड़ेगा ना। चलिए ब्रिज रेक्टिफायर के गुण क्या है जी, तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, बोला कि उसमें क्या था सेंटर टेप था जी। अब ऑर्डर करेंगे तो मान लीजिए किसी कंपनी को ऑर्डर करना पड़ेगा ना कि सेंटर टेप चाहिए जी, और सेंटर टेप बनाने में क्या होता है ट्रांसफार्मर ज्यादा सुटेबल नहीं हो पाता जी, इसलिए बोला कि जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर फुल वेव जो है बना रहा है ब्रिज रेक्टिफायर, उससे क्या हो रहा है कि हमको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और इसका पीक इनवर्स वोल्टेज का मान दो डायोड वाले पूर्ण तरंग दिष्टकारी के तुल्य के आधा होता है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है इसका आधा हो जाता है, इसलिए भी बना रहा है जी। ब्रिज रेक्टिफायर के दोष, अब ब्रिज रेक्टिफायर के दोष क्या है, इसमें चार डायोड की आवश्यकता पड़ती है और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है, बोला है कि ब्रिज रेक्टिफायर तो यूज करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन चार डायोड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इससे हमको क्या कहता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी, यही इसका बेनिफिट पॉइंट है। और आगे भी हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो देखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर कंपेरिजन ऑफ रेक्टिफायर्स है, देखिए अब रेक्टिफायर्स में कंपेरिजन करेंगे किसमें, तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर जी, तो तीनों में हम लोग कंपेरिजन करेंगे, और यही मेन पॉइंट है जी। इस टेबल को आप लोग सारे के सारे डाटा इसमें याद कर लीजिएगा, ये वाले भी टेबल, ये वाले टेबल में सारे डाटा हम लोग को याद करना है। देखिए अब डाटा को देखते हैं जी क्या कह रहा है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है वीएम है, इसमें क्या होता है जी तो 2 वीएम होता है, इसमें वीएम होता है। देखिए अब पीक इनवर्स वोल्टेज समझना है, देखिए कहने का मतलब है इसको अगर रटने जाइएगा तो रटते रहिएगा। अब देखिएगा हम एक एक करके पीक इनवर्स वोल्टेज डिस्कस करते हैं जी, तो हाफ वेव मेरा ये है, हाफ वेव है जी। अब देखिए इस डायोड के अक्रॉस कितना है जी, अब देखिए इस डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यहाँ पे जो हम वोल्टेज लगाएंगे वही वोल्टेज तो होगा ना जी, तो इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसके इनवर्स में वोल्टेज लगाने का मतलब क्या होगा जी, ये डायोड काम नहीं कर रहा था ओपन सर्किट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज ये करंट तो पास नहीं हो रहा था इसमें वोल्टेज जीरो हो जाएगा, जो इतना वोल्टेज जो यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है वही वोल्टेज, देखिए ये करंट अगर रिवर्स में बायस में है तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है जी,
पीआईवी का मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है जी, देखिए ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या है, जीरो करंट जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, ये जो पोटेंशियल होगा वही बराबर होगा, तो इसके इसके क्रॉस जो क्या है वीएम है, तो वीएम ही हो रहेगा ना। चलिए ये मेरा हाफ वेव था, तो हाफ वेव में देखिए वीएम लिखा हुआ है जी यहाँ पर। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेम में, सेंटर टेम में आइए जी फुल वेव रेक्टिफायर में। यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा जी, यहाँ पे डायोड है, इसमें क्या होगा, ये तो ओपन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे जो वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा हमको क्या मिला, यहाँ पे भी वीएम मिला और यहाँ पे भी वीएम मिला, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इस डायोड के क्रॉस क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों है जी, यहाँ पे जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो यहाँ का वोल्टेज मिलेगा और यहाँ का वोल्टेज जो मिलेगा यहाँ इतना मिलेगा, इतना जो मिलेगा क्या मिलेगा जी, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, टू वीएम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर उस सेंटर टैप में टू वीएम है और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है जी वीएम है, इस बात को समझ गए हम, वही बताना चाह रहे जी, लॉजिक से याद कीजिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। चलिए जी आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या होता है जी, तो आई एम अपॉन रूट टू क्या होता है, फुल वेव में होता है, आई आर एम एस क्या होता है जी, आई एम अपॉन रूट टू, लेकिन अगर हाफ वेव में बात किया जाए तो आई एम बाई टू हो जाता है, क्या होता है, आई एम बाई टू। तो देखिए इस तरह लॉजिक से अगर पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, सारे कंसेप्ट समझ जाएंगे। अब आरएमएस का वोल्ट, देखिए आरएमएस का मतलब क्या होता है जी, तो क्या होता है आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी जो भी करंट रहेगा उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद एवरेज लेंगे जी, मीन का मतलब एवरेज लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, रूट लेंगे। अब इसको हम निकालने चले तो हमारा पूरा क्या होगा जी, हमको साइन वेव ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन चाहिए जी, उसको नॉलेज होना चाहिए कि आरएमएस कैसे निकालते हैं जी, इसलिए मैं कहूंगा सबसे कि आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लो, आई एम बाई टू, आई एम अपॉन रूट टू, आई एम अपॉन रूट टू। देखिए फॉर फुल वेव में सेम है और हाफ वेव में क्या है जी, उसका भी वन अपॉन रूट टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए हाफ टाइम में ही मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इससे समझ सकते हैं जी। आते हैं हम अगले में, अब है डीसी, आई डीसी क्या हो जाएगा जी, हाफ वेव में क्या हो जाएगा, आई एम बाई आई, जो अगर मैक्स है तो क्या आ जाएगा, बाई पाई, टू आई एम बाई पाई, टू आई एम बाई। देखिए इसमें क्या है, फुल वेव है तो दो दो गुना करंट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उसका आधा जाएगा। चलिए जी अब है रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। रिपल फैक्टर क्या होता है, हाफ में क्या होता है 1.12 होता है, फुल वेव में क्या होता है 0.482, यानी 48% इसको याद कर सकते हैं जी, ये क्या है 121%, ये क्या है 48%, ठीक है जी, ये भी 48%, ऐसे परसेंट भी पूछ सकता है, फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। रिपल फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, एफ ही मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर टेम में क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा जी, फुल वेव में क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल हो जाती है जी। डायोड के अक्रॉस क्या होता है, जब भी हम एसी से डीसी में करते हैं तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डबल हो जाती है जी। डीसी वोल्टेज क्या है, वीएम अपॉन पाई, देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, डबल हो गया जी, करंट भी डबल हो रहा है, वोल्टेज भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है फुल वेव में, तो वीएम अपॉन पाई डीसी जी। देखिए डीसी वोल्टेज बोल रहा था, वीएम अपन पाई हो रहा है, डीसी करंट आई एम अपन पाई हो रहा है, लेकिन ये था आरएमएस, देखिए ये आरएमएस था, आई एम अपन, इस दोनों पॉइंट को देखिएगा, ये आरएमएस वैल्यू है जी और ये क्या है आपको डीसी वोल्टेज, एवरेज डीसी है, तो आई एम मतलब मैक्स होता है, आई मैक्स मतलब वी मैक्स मतलब वोल्टेज मैक्स अपन पाई है, यहाँ पे अपन रूट टू है जी, इस बात को समझिएगा, यहाँ पे टू वीएम अपन पाई है, तो ये क्या है एवरेज डीसी है जी, ये क्या है आरएमएस वैल्यू है, इस बात को समझिएगा यहाँ पे। चलिए अधिकतम दक्षता, अब बात की जाएगी किसकी दक्षता ज्यादा है जी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का 40% है, 40.6% है, और 81% सेंटर टेप का है 81.2, और फुल वेव का मतलब दोनों का क्या है जी 81.2% है। शिखर लोड यानी पीक इनवर्स वोल्ट करंट जी, शिखर पीक इनवर्स क्या है जी, करंट चाहिए, तो पीआईसी बोला है, तो क्या जाएगा, इसको मत याद कीजिएगा, बाकी सब याद कर लीजिएगा जी, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां तक हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड का, डायोड में हमने क्या पढ़ा जी, रेक्टिफायर पढ़ा, कौन कौन सा, तो हाफ वेव और फुल वेव, हाफ वेव और फुल वेव में हमने, हाफ वेव में कितना पढ़ा था जी, हाफ वेव में एक हाफ वेव रेक्टिफायर था जिसमें एक ही डायोड लग रहा था, एक ही डायोड देखिए एक ही डायोड लग रहा था, जब फुल वेव में तो दो रेक्टिफायर थे, एक सेंटर टेप रेक्टिफायर था, एक ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप में कितने रेक्टिफायर लग रहे हैं जी, दो रेक्टिफायर लग रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने रेक्टिफायर लग रहे हैं, चार रेक्टिफायर। एक क्वेश्चन तो इसने दिया नहीं है, लेकिन आप इसको अपने टेबल में बनाइएगा और मैं कमेंट में भी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव में, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की जरूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसने टेबल में नहीं बना रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा,
आप जाके देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, मैं इसको तो बाद में डिस्कस कराऊंगा ही जी। तो चलिए, हमने इसके बाद लॉजिक गेट हमने कंप्लीट कर रखा है। चलिए, थैंक यू सो मच।